Hi, I'm Moushumi. Welcome back to my channel. Question and request was how to do double stand scooty with sari, with lehenga, with patiala, skirts, etc. So double stand is not a magic, it's a simple thing, it is a practice. But one thing is more, that is, I want to repeat, double stand is problem in heavy rainy season, because stand is a sharp object, it is a metal. That's why agar aapka soil ya muddy soil hota to aap wahan pe double stand karne mein aapko problem hogi, kyunki aapko scooty disbalance ho sakta hai. तो चलिए मैं दिखाती हूँ. अभी मैं सॉरी, वन थिंग इज दैट इज़ मैं अभी मैं डबल स्टैंड में ही बैठी हूँ. डबल स्टैंड में लोग बैठते हैं, मतलब बहुत ही कंफर्ट से बैठते हैं. देखिए मैं भी डबल स्टैंड में ही बैठी हूँ. देखिए आप, मैं एकदम दोनों पैर उठा के एकदम मस्ती से बैठी हूँ. आप कहीं भी अगर बैठने की जगह मन करे तो आप गप्पे लड़ाइए अपनी स्कूटी में बैठ के, डबल स्टैंड करके, नो प्रॉब्लम. चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे डबल स्टैंड किया जाता है, इसमें बेनिफिट क्या है. मैं डबल स्टैंड करने के बाद दिखाती हूँ. देखिए अभी ये डबल स्टैंड में है. हमने कहा था कि डबल स्टैंड करने के लिए मडी सॉइल ना हो, क्योंकि ये देखिए ये शर्प है, ये मेटल है. अगर ये सॉइल में या मडी सॉइल में अगर ये चले जाए अंदर, मतलब इसके अंदर चला जाता है, तो ये आपका स्कूटी जो भी है डिसबैलेंस हो जाएगा. और एडवांटेज ऑफ द डबल स्टैंड इज़, फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप किक देते हो कभी भी, ये जो है जब आप इसे स्टार्ट करोगे किक करके, तो आपको डबल स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने बंद कर दिया. और ये है, अगर आप जहाँ कहीं भी अपना स्कूटी को पार्क करते हो, अगर वहाँ पे स्पेस कम होता है तो आपको डबल स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अगर स्पेस कम होता है, आपका आपके पास इतना ही स्पेस है, तो आपको क्या करना है, इतने जगह में आपको स्कूटी को स्टैंड करने हैं. अगर आप साइड स्टैंड में करते हो, मैं रिलीज करके दिखाती हूँ. देखिए मैं भी साइड स्टैंड कर रही हूँ, तो आपको स्पेस ज़्यादा हो गया. देखिए डबल स्टैंड में आपको ये स्पेस थोड़ा सा कम लगता है. कम स्पेस में आपको डबल स्टैंड बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी. अब कहीं भी आप रखते हो तो डबल स्टैंड में रखना ही सेफ्टी है. अभी मैं देखिए डबल स्टैंड कैसे किया जाता है. अगर आप स्कर्ट स्कूट मतलब साड़ी कुछ भी पहनते हो, तो उससे पहले आपको कॉन्शियस रहनी चाहिए, आपको फीट को रिलीज़ करनी चाहिए. हमने काफ़ी बार कहा है, एक हाथ से आपको यहाँ पे हैंडल को पकड़ के रखना है, इसे लेफ्ट हैंड से ऑलवेज, और राइट हैंड से अगर आप पीछे की तरफ हाथ रखते हो, देखिए हमने डबल स्टैंड कर दिया. हमने क्या किया था, एक हाथ हमने यहाँ पे टिका के रखा था, वन लेफ्ट लेफ्ट हैंड आपको अच्छी तरह से ये ग्रिप करके यहाँ पे पकड़ के रखना है, और राइट हैंड से आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रिप करना है बोथ साइड. फिर आपको पीछे की तरफ बैक साइड पुल करना है, ऐसे पुल कीजिए जैसे हमने किया है, और ये जो है इसमें आपको धीरे से पीछे की तरफ खींचते हो, तो आपको ये बहुत कैजुअल लगेगा. मैं एक बार और करती हूँ, मैं एक बार और करती हूँ. हमने जो रिलीज़ किया क्या, देखिए हमने इस तरह से इसे बैलेंस किया. ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया और ब्रेक नहीं दबाया था या नहीं रखा था हाथ इधर, हमने स्टैंड ऐसे किया और बस स्कूटी आगे चली गई. मैं फिर से करती हूँ. देखिए धीरे से हमने इसे पीछे की तरफ इसे इस तरह से पुल किया, ऐसे लिया और पीछे की तरफ ऐसे पुल किया. ठीक है, तो इस तरह से आपको डबल स्टैंड करना है. देखिए डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड हमने बेनिफिट जो मैं करती हूँ, देखिए सिखाना मुझे बहुत मतलब आई एम फीलिंग नॉट प्राउड दैट्स कि मैं सिखाती हूँ, आई एम अ टीचर, ऐसे कोई बात नहीं. हमसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े उस्ताद हैं लड़कियाँ, तो मैं जितना भी करती हूँ उतना ही हमने आपसे शेयर किया. स्कूटी में ऑलवेज आप कंफर्ट बैठिए,
बोथ साइड आपको दोनों पैर से ऑलवेज स्कूटी को आप बैलेंस करके रखिए, तो आपको कहीं भी आप बैठ सकते हो, कहीं भी आप बात कर सकते हो। आगे पीछे करना आपको आनी चाहिए। स्कूटी में बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड आपको हैंडल से आप ऑपरेट कर सकते हो। देखिए बाइक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बाइक में लेफ्ट साइड ब्रेक नहीं होता, क्लच होता है। मैं बहुत पजल हो जाती हूँ बाइक में क्योंकि इसमें ऐसा प्रॉब्लम है। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलिए एंजॉय करिए, स्कूटी चलाइए, स्टैंड कीजिए, किक मारिए। बाय, स्टे एट होम।